हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्काउट और गॉडलाइक का राइवलरी के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि 2-3 दिन से ये दोनों का राइवलरी चल रहा है, मतलब भाई एक हेल्दी राइवलरी और ट्रैश टॉक और ट्रोलिंग भी चल रहा है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे गॉडलाइक वालों ने थोड़ा ट्रोल किया था कि तुम लोग टीम अप कर रहे हो, ऐसा क्लेम किया था, और थोड़ा ट्रोल किया था कि लेफ्ट से आओ राइट से आओ। तो उस पर यहाँ पे स्काउट ने एक स्टोरी लगाया, देख सकते हो, लेफ्ट से राइट से आगे से पीछे से पूरा IGC से। और यहाँ पे नीचे में पुकार का एक मोन्टाज शेयर किया, मतलब पुकार ने एक मोन्टाज शेयर किया था इंस्टा पे, तो उसको रीशेयर किया है। एंड यहाँ पे नीचे में TXIGL, यानी कि पुकार ही TX के IGL है। और यहाँ पे जो ट्रोलिंग था उसका रिप्लाई भी वो लोग करते हैं, मतलब एक फनी मीम चल रहा है भाई, तो आप लोग इन्जॉय करो। इसके बाद यहाँ पे कल जब स्काउट स्ट्रीम कर रहे थे तो वहाँ पे वो बात करते ये गॉडलाइक मैटर के बारे में, जहाँ पे वो फिस्ट खाए थे उस पर भी रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो। अरे यार ये सब चलता है, हम पैन करते हैं, हम पैन का हुआ था, मैं तो मुक्का खाया था बस, वो एक आध दिन हो जाता है, पर टेंशन मत लो। आज ओजी वाले की ठोका रही है, हम लोग यार फेरी पे ले रहे हैं यार, ड्रॉप मज़ा नहीं आ रहा सेकेंडरी ड्रॉप में। क्या हो जा रहा है ना कि जब फ्लाइट पाथ नोवो रेपनो से प्रीमोस जाती है ना, तो हम लोग को वहीं से वहाँ जाना पड़ता है, क्या बोलते हैं वो गाड़ी के लिए, गाड़ी वाला चुटिया आप समझ रहे हो ना यार, गाड़ी के लिए उतरो। उस दिन वैसे क्या गाड़ी के लिए एक कूप पे हम चार लोंडे जा रहे हैं, गॉडल पीछे से गन लेकर के मार गए चार नहीं हत्तों को। अब क्या करें, फेरी पेयर तो वहाँ से मिलिट्री आइलैंड भी इजी लग सकते, तो वहाँ पे एक ही है ना क्या अपना ओजी है, ओजी को मारेंगे और क्या, ओजी को मरते रहेंगे जब तक ओजी नहीं छोड़ती है, या मरते रहेंगे। अब राइवलरी तो चलता रहेगा, तो इसको एंजॉय करो। फिर इसके बाद कल लॉल्स ने एक स्टोरी लगाया था, देख सकते हो, फ्री टाइम मिले तो आओ थोड़ा क्लासिक खेलने सिखाता हूँ। अब ये किसको बोल रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, अगर आप लोगों को पता तो कमेंट में बताना कि ये किसे बोल रही है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं ओजी ड्रिगर के बारे में। तो कल जब वो स्ट्रीम कर रहे थे, वहाँ पे कुछ बंदे गॉडलाइक और TX का मैटर के बारे में पूछ रहे थे, और जो टीम अप वाला मैटर हुआ था उस पर वो बात करते हैं, तो यहाँ पे सुन सकते हो। Do you think such kind of team up acts are acceptable? Which are TOs? What are TOs doing? Really not good for Indian scene. Bro, पहली बार टीम अप का जब तक प्रूफ नहीं मिलता तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते यार। बाकी यार लगा था, मुझे भी था, बिकॉज फाइट में ऐसा सीन हुआ था कि उन्होंने क्या क्लाउन गेमिंग को नॉक दिया था, फिर रैप कर दिया था उन्होंने, एक साइड से उन्होंने रैप किया, एक साइड से उन्होंने पूरा वो कर दिया था, जब आपस में फाइट करी ही नहीं, जब नॉक हुए फिनिश किया, मे बी क्या पता नहीं हो, पता नहीं मुझे लगा है पैसा, मे बी क्या पता मैं गलत हूँ, बट फाइट उन्होंने नॉक दिया था लेकिन पुश नहीं किया था उधर, जबकि नॉक देने के बाद जब मैं खेल रहा था मुझे तो नॉक फिश जाते थे भाई, एकदम महाकसम भाई, एकदम ट्रैप बिछा के उसका क्लाउन गेमिंग को नॉक दिया। ये इसको डार्क लॉर्ड वॉक लॉर्ड था शायद कोई, फिर उसने फिर उन्होंने हासिंडे के राइट से रैप किया और स्काउट लोगों ने लेफ्ट से रैप किया, गजब। अब जैसा यहाँ पे ड्रिगर ने कहा, जब तक कोई प्रूफ नहीं मिला था तब तक हम लोग सिक्योरिटी से कह नहीं सकते कि वो टीम अप था, लगा तो उनको भी था, बट यहाँ पे भाई कुछ कह नहीं सकते, तो आप लोग बस इन्जॉय करो, उसको भूल जाओ, रात गई बात गई, अब इन्जॉय करो जो भी यहाँ पे हेल्दी राइवलरी चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे ट्रिगर बात करते हैं जोनाथन के बारे में, मतलब कुछ बंदे पूछ रहे थे कि जोनाथन इतना काम कैसे रहता है, वो सबको इग्नोर करके अपना गेम पे कैसे फोकस करता है, और इतना MVP कैसे बनता है, तो उस पे देखो उन्होंने क्या रिप्लाई किया। जब सब लोग जॉनी को बुक करते हैं तो जॉनी फिर भी उनको भाव नहीं देता, ट्रिगर भाई जॉनी का नेचर इतना बढ़िया कैसे है ब्रो, उसको अपने गेम से मतलब है ना, सिर्फ वो जो भी बोलता है अपने गेम से बोलता है, खत्म बात, के बारे में आप 10 बातें बोल लो 100 बातें बोलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो वो टॉप पे है, तभी तो वो सिर्फ एक बार MVP आके बोलता हुआ नहीं है इतना कुछ, बार बार MVP आता है तो रीजन यही है। आई ऑल्सो मेक श्योर कि मेरी टीम से भी एक प्लेयर ऐसा हो, जमी और एनी ऑफ माई टीममेट्स, तभी हम सब चीजें चीजों में पढ़ते भी नहीं है, हमें कुछ लोग कितना बोलते हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो जॉनसन का जैसे डायलॉग है वो बोल के नहीं करके दिखाता है, तो वैसे वो बंदा करता भी है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मवी के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले मवी यहाँ पे ब्लाइंड को ऊपर बोला था कि वो स्ट्रीम स्नाइप कर रहे हैं, और थोड़ा गुस्सा भी हो चुके थे, फिर यहाँ पे कल जब मवी स्ट्रीम करते तो वहाँ पे वो सॉरी भी बोलते और थोड़ा बात करते, तो यहाँ पे सुन सकते हो। जो तुम्हें जो स्टोरी लगा के अपने लिए बज रहा था बच्चा, उसकी तो आवाज भी ठीक से निकलती, मैं तो उसकी हाईलाइट देख के आया, वो तो अपने बंदे को कॉल पे था इधर बंदे इधर ये, उसकी तो बहन तो मुंह से आवाज बुरी नहीं निकलती, वो मेरे को क्या बोल देता, मैं तो बैंड मेरे को पता है मैं तो डर गया, मेरे को ये लगा बैंड चो मैंने तो किसी बच्चे को डरा दिया, वो तो इधर पिदल वाला है, वो तो बैंड चो बच्चा एकदम, वो तो बच्चे वो तो चल ठीक है अपने फालतू बात पढ़ाई, उसके साथ क्या ही करेंगे वो बेचारा डर जाएगा, कसम से मैं तो हाईलाइट देख के आया बैंड चो, बहुत अच्छी आती है मेरे को, तो बच्चे के साथ लड़ा दिया तुमने बैंड चो फालतू,
मत क्या करवाया था मेरे को, भड़काया मत करो, बच्चों के साथ मत लड़ाया करो मेरे को, प्लेयर के साथ मेरी बहस करा दी थी ना चैट ने, मैं भी भड़क गया था। वो तो बहन चोद मैं उनकी वो देख के आया, वो तो एकदम बच्चा है भाई छोटा, पता है उसके साथ उसके माने हाँ उसके साथ तो मैं लड़ूंगा बहन चोद, मेरे को तो गाली पड़ेगी पता है। गलती होगी भाई, मान्या वो मान्या गाइस वो है जो अभी टॉप टीम जो परफॉर्म कर रही है उसका ही चल है, मैं उसकी बात कर रहा था। पाजा वर्सेस यार इक्वल टू प्यार, पाजा वर्सेस यार हो जाता तो फिर मैटर। अरे नहीं मैं तो माफी मांग रहा हूं गाइस, मैं तो माफी मांग रहा हूं, मेरे से गलती हो गई। तो जो भी सीन हुआ था वो सब सॉर्ट हो चुका है, मतलब मावी को लगा था कि वो स्ट्रीम स्लाइम की थे बट वैसा कुछ हुआ नहीं था, मतलब वो माफी मांग लेते तो भाई सब सॉर्ट हो चुका है। इसके बाद ये बात करते हैं गॉडलाइक के बारे में। तो कल गॉडलाइक वालों का एक सूट था, मतलब यहाँ पे देख सकते हो बोलो स्टोरी में शेयर की कि यहाँ पे बोलो का कुछ टीम था, मतलब दो तीन टीम था जहाँ पे वो लोग आउटडोर गए हैं सूट करने के लिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ खाने का चेंज होने वाला है या फिर कुछ खाने से रिलेटेड ही होने वाला है, क्योंकि आप लोग ये वीडियो सुन सकते हो। तो क्या लगता है क्या सूट हो सकता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।